फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो रिमेनिंग थे उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं उन सब में आपको उस प्रदेश की या जिले की जियोग्राफी को याद रखना है, जिससे आपको पता लग जाए कि यहाँ कौन सी चीज़ बनाई जाती होगी। जैसा कि आप अगले कई प्रोडक्ट्स में देखोगे कि वो वहाँ की जियोग्राफी से बहुत अच्छी तरह से लिंक हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कन्नौज का सेंट और इत्र है, तो यहाँ पर सेंट और इत्र किससे बनाया जाता है? सेंट मुख्य रूप से रोज से बनाया जाता है, गुलाब से बनाया जाता है। इसके अलावा गुलाब है और भी आपकी सोने की जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो यहाँ जो कन्नौज में मिलते हैं लोकली गुलाब का पेड़ कन्नौज में ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो झांसी है, झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सॉफ्ट टॉय क्या है इसमें? सॉफ्ट टॉय देखो, ये आप देख सकते हो ये कपड़ों से बनाए गए हैं, इसलिए इनको सॉफ्ट टॉय कहा गया है। चलिए दोस्तों अब यहाँ देख सकते हो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में मेरठ का नाम आता है। तो स्पोर्ट प्रोडक्ट जैसा कि आप देख सकते हो, यदि आप देखोगे जो वेस्टर्न यूपी के जो जिले हैं जैसे कि सहारनपुर, मेरठ, बागपत, यानी कि अपर गंगा वैली में आते हैं, तराई क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पॉपुलर के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पॉपुलर इसको लोकल लोग में पॉपुलर बोलते हैं कुछ लोग, जैसा कि आपने देवदार का पेड़ होता है उसी प्रकार का होता है। तो उसकी लकड़ी इसमें यूज हो जाती है खेल के प्रोडक्ट में, जैसे कि आपके यहाँ बैट है या बल्ला है, तो इससे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी का यूज वो लकड़ी यहाँ पर मिल जाती है जो बहुत मजबूत होती है। इसके अलावा वॉलीबॉल के बहुत सारे प्रोडक्ट, गेंद के गेंद हैं के गेम्स की, तो वो यहाँ आपको मेरठ में बनती हैं, तो मेरठ इसलिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अब आप ये देख सकते हो बांदा देख सकते हो, बांदा स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो बांदा की आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, तो बांदा को आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के ही निचले वाले हिस्से में स्थित है। तो निचले वाले हिस्से में आप देख सकते हो पठार में है, झांसी हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, आपका सोनभद्र हो, ये सब पठारी क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर पत्थर पाया जाता है, तो पत्थर की वजह से ही यहाँ पर देखो स्टोन क्राफ्ट यहाँ का लोकल लोगों ने बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में देख सकते हैं महुआ, महुआ में भी क्या स्टोन क्राफ्ट है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, गुएरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो डिफरेंट प्रकार की स्टोन क्राफ्ट है, स्टोन के अंदर विभिन्न प्रकार की डिजाइन क्रिएट कर दिए हैं, तो इसको गुएरा बोलते हैं। गुएरा स्टोन क्राफ्ट महुआ की फेमस है। चलिए दोस्तों अब हम देख सकते हैं तारकसी कला मैनपुरी। तो तारकसी क्या, जैसा कि आप नाम से पता लगा होगा तार यानी वायर, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो चमकीले वायर होते हैं, जैसे कॉपर का वायर ले लीजिए आप, तांबे का वायर ले लीजिए, तो उस वायर को आप किसी भी पत्थर पर या किसी भी लकड़ी पर लपेट देते हैं, इसकी लपेट देने से उसके चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे उसमें सुंदरता आ जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें ये पत्थर या लकड़ी है, उस पर जो है कि तांबे या कॉपर के वायरों को बारीकी से लपेट दिया, जिससे उसमें चमक आ गई है। तो ये आपकी मैनपुरी इसी के लिए फेमस है। इसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा दोस्तों मिट्टी होती है, मिट्टी को ही हम टेराकोटा बोलते हैं, लेकिन जब इसको पका देते हैं मिट्टी को, तो इसको टेराकोटा का नाम दे दिया जाता है। एक विभिन्न प्रकार की मिट्टी ही होती है, लेकिन इसको आपने दूसरी जगह भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसको जीआई टैग्स भी दे दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, गोरखपुर की टेराकोटा मिट्टी को, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब आपको देखना है भरवां की अम्बेडकर इटावा में, यहाँ पर कपड़ा उत्पाद के लिए ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जाने जाते हैं, भरवां की अम्बेडकर और अम्बेडकर नगर एंड इटावा। तो नेक्स्ट में देखना है हमें देखो लखीमपुर खीरी एवं श्रावस्ती। तो ये आप देख सकते हो इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये तराई क्षेत्र में है और नेपाल से जस्ट सटे हुए हैं। तो नेपाल से सटे हुए हैं, तो वहाँ पर ट्रैवल लोग रहते हैं, तो ट्रैवल लोगों की जो क्राफ्ट है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बैग्स हैं, उनकी स्लीपर्स हैं, चप्पलें हैं, उनकी टोपियां हैं। तो ये लखीमपुर खीरी श्रावस्ती की ट्रैवल क्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में। इसके अलावा एक कानपुर देहात के आपके यूटेंसिल्स हैं, इनको ध्यान रखना है। कानपुर देहात में जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे डिब्बे होते हैं, विभिन्न प्रकार की बाल्टी होती हैं,
और भी विभिन्न बर्तन होते हैं घरेलू सामान के, वो सब कानपुर देहात में बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेचुरल है, इकोनॉमिक है, कोई इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन पॉपुलेशन नहीं, न किसी आपको कलर का यूज करना। और देखिए आपको बन जाती है यहाँ पर जूट, वॉल हैंगिंग जूट, सिर्फ जूट से ही आप जो है कि इतनी अच्छी सीनरी बना सकते हो। जूट जो है कि आप किसी भी आप जगह पर उगाई जा सकती है, जैसे कपास को उगाया जाता है, तो उससे आप इस प्रोडक्ट को कितनी अच्छी तरीके से बना सकते हो, जो कि अच्छी पेंटिंग आपके घर में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पर देखो वुड क्राफ्ट। अब वो मैंने जैसे बताया था कि यूपी के नॉर्थ साइड में बहुत विभिन्न प्रकार के सदाबहार पेड़ होते हैं, देवदार के, पॉपुलर के, तो इन्हीं पेड़ों का यूज करके बिजनौर, बस्ती, सहारनपुर और रायबरेली के लोगों ने क्या एक वुडन क्राफ्ट डेवलप कर ली। तो वुडन क्राफ्ट में क्या है, लकड़ी से ही देखो कितनी सुंदर सुंदर आपके देखो ये मूर्तियाँ बना दी, सुंदर सुंदर आपके देखो दरवाजे बना दिए, दरवाजे में लगाने के लिए खिड़की बना सकते हो आप। वुडन क्राफ्ट जो है कि सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर, रायबरेली की इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा चित्रकूट की लकड़ी की टॉयज हैं, देखिए आप कितने सुंदर हैं ये सारे, आप इनको अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। इसके अलावा जो जरी प्रोडक्ट है, अब देखो जरी प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जरी प्रोडक्ट है बदायूं, बरेली, कासगंज, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहाँपुर। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें देखो ये क्या दे रखा है, इसमें आपका कोई भी प्लेन आपका कपड़ा है, तो उस पर क्या करते हैं ये महिलाएँ या कोई भी व्यक्ति एक सुई धागे से विभिन्न प्रकार की मोतियाँ, मूंगे दाने, या आपके छोटे छोटे कांच के कोई भी चमकीले प्रोडक्ट हो सकते, उनको अपनी अपनी सुई से इनके ऊपर लगा देते हैं। देखो ये कितनी अच्छी तरह से इस पर लगा रहा है, अगर देखो खाली कपड़ा पड़ा हुआ है इस साइड देखें तो आप, और इस साइड ही व्यक्ति अपने हाथ से लगा रहा है, तो लगने के बाद देख सकते हो आप, देखो ऐसी बन जाएगी पूरा, आप देखो कैसी साड़ी बन गई। और नीचे वाले में देख सकते हो कि महिला, देखो आप इधर साइड को देखो, इधर साइड को आप देख सकते हो कि इसमें देखो इधर साइड को क्या है, इधर साइड देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे देखो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा देख रहे हो आगे, अब यहाँ पे खाली है, तो ये धीरे धीरे पूरे इसी को ऐसे कर देंगे, ये महिला है जो पूरे को जड़ देगी अपनी सुई और धागे से, सब विभिन्न प्रकार की मोती वोती इस पर लगा के बहुत सुंदर आपको बना देगी प्लेन कपड़े को। अब देख सकते हो इसको, जैसे इसमें ये है, इसमें सिर्फ कैपिटल के लिए बस एक छोटा सी प्लास्टिक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कपड़ा इसमें कस जाता है, और कपड़ा कसने के बाद आप इसमें कुछ भी ला सकते हो। देखो आप कितना अच्छे से ये साड़ी को इन्होंने बहुत सारी मोतियाँ इस पर जड़ दी हैं, ये किसी मशीन से नहीं लगाई, ये सिर्फ हाथ से लगाई गई हैं। तो ये जो जरी प्रोडक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसकी जरी सिल्क साड़ी है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ साड़ी सिल्क की होगी, वहाँ कोई सा भी हो सकता था, ललितपुर में सिल्क को लोग यूज करते हैं और उस पर जो है कि विभिन्न प्रकार के मोती मूंगे अपने हाथों से रख देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक की मैं कल से शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको मैं दूसरे टॉपिक पर बताऊंगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो।